राजा धूमत सेन राज किया करते, जिनकी एक रानी थी जिसका नाम था शोभा रानी। काफी दिनों तक राजा रानी के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। बुढ़ापे में शंकर भगवान के आशीर्वाद से एक संतान उत्पन्न हुई जिनका नाम था सत्यवान नाम था जिसका। सुनो, सत्यवान बचपन में था तो उस टाइम राजा धूमत सेन का एक मंत्री था जिसका नाम था चोड़ा राय। चोड़ा राय ने छल से राजा धूमत सेन का पूरा राज कब्जा लिया और राजा धूमत सेन को और उसकी पत्नी और सत्यवान तीनों को मारना चाहा, तो किसी कारण किसी वजह से वे तीनों महल के पिछले दरवाजे से जंगल की ओर भाग जाते हैं सभी। तो सुनो, जंगल में पहुंच गए सत्यवान, एक लाला की दुकान पर गया, जो राज शाही ठाट के कपड़े थे वे उतार के लाला की दुकान में गिरवी रख दिए और एक कुल्हाड़ा एक रस्सी लाला से उधार ले ली। लकड़ी काटता और अपना गुजारा करता के सत्यवान माँ बापों के दुख बांटन आले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन आले हो गए। इधर सत्यवान लकड़ी काट के अपने माँ बाप का गुजारा करता है, उधर अश्वपति के मगध देश में अश्वपति एक राजा राज किया करते थे जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री में 100 गुण थे 100, और उस राजा की और सावित्री की यह शर्त थी कि मैं अपनी लड़की की शादी उस विद्वान उस पुरुष से करूंगा जिसमें 100 गुण होंगे 100। पूरे देश में ढिंढोरा पिटवा दिया, किसे में 95 गुण किसे में 90 100 गुण का कोई लड़का नहीं मिला। राजा दुखी होकर अपनी बेटी तनु बोला, बेटी मेरा जो कर्तव्य था मैंने पूरा कर दिया, मुझे ऐसा लड़का मैं आपके लिए तलाश नहीं कर पाया। एक काम कर, तू खुद कहीं भी जा और अपने योग्य जो भी वर ला के खड़ा कर देगी, मैं उससे तेरे साथ विवाह कर दूंगा, तू खुद ढूंढ कर ला। सजनो, ओटन पैरन खान पीन का सावित्री ले सामान चली, जोड़ी कवर ढूंढन खातर सावित्री चली। सावित्री जोड़ी कवर ढूंढने के लिए चली जाती है, न जाने कितने देशों में घूमी, कोई जोड़ी कवर नहीं मिला। अब घूमते घूमते सावित्री ने एक बात सोची कि शायद ते लायक कोई वर इस दुनिया में बनाए को ना। उसने न्यू सोची, अब तू जंगल में चल भगवान की तपस्या करना और वहीं भूखे प्यासे तेरे प्राण निकल जाएंगे, वहीं आत्महत्या कर लेना। जंगल में आ गई, अचानक ध्यान में बैठी तो खट खट की आवाज़ सुनाई दी। खट खट की आवाज़ सुन के ध्यान बदला, सावित्री ने देखा कि कोई लड़का पेट पर चढ़ के लकड़ी काट रहा है। देखा बड़ा सुंदर लड़का लंगोट पहन रहा, पहचान की सावित्री के कोई ब्रह्मचारी लड़का है, मोहित होगी उसके ऊपर और सोचा कि तू इससे शादी कर ले। एक बात के द्वारा किस प्रकार से सत्यवान के और सावित्री के सवाल जवाब होते, ये सत्यवान सावित्री का किस्सा पेश कराएंगे। सावित्री के रोल में मैडम छम्मा तिवारी जी, सत्यवान के रोल में मैं खुद रहूंगा। एक बार हाथ उठा के बोलिए गौ माता की। जंगल बियाबान में कोई कन्या की आवाज आता, कौन है? ओ छोरी लकड़हारे। हाँ, पेड़ से नीचे उतर क्या? पहले मैं पेड़ के नीचे खड़ो सु दे गया डालो पड़ो। ओहो, नीचे उतर के आ गया तू? आ गया। अब मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? मैं तने देख नहीं रहा, पहले नु बता तू सह कौन? मैं हूँ एक लड़की। लड़की जी? फरान बियाबान में क्यों फड़की? तेरा के काम आड़े? मेरा की काम? हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, वो भी आपसे। सुन मेरी बात, इतने घोर विशाल जंगल में इतने शेर वगैरह हाथी चीते इतने डोले जान, लड़की का तो कोई काम को ना देख। सूट मजड़े सितारे लिपस्टिक टिक्की बिंदी जना के काम कर रही है भाई तू? लड़की को ना कह दो कोई चुड़ैल भूतनी है, मेरे धोरण आई है। हेलो। हाँ, मैं चुड़ैल भूतनी नहीं हूँ और मैं की लड़की हूँ। लड़की से जी? फिर के काम है तन्नू बता। के काम है बताऊँ? हाँ, मुझे आपसे ये काम है। हाँ, ये जो मेरा दिल है ना, दिल मेरा दिल आ गया आप पे। अच्छा, तेरा दिल आ गया मेरे ऊपर? हाँ। बड़ी अच्छी बात, मेरी किडनी आ गई तेरे ऊपर। हाँ। ये कोई आने की चीज होती है? और दिल कोई आने की चीज है? दिल आने की चीज होती है। रे बावली, कोई आने की चीज को नन्नू बता, कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ। हाँ। अब मैं आपकी शादी में शादी करना चाहती हूँ। शादी? शादी जी? तब जाना शादी कैसे? देख, मैं तो लकड़ी काटा करूँ, लकड़ी काट के सेठ के यहाँ बेच देता हूँ, मेरा गुजारा चल जाए, पर मैंने वो शादी शब्द नहीं सुना। क्या होया करे शादी? शादी की नहीं पता ना? देख लो ताई, जिसने शादी की नहीं पता। ताई ने के पूछा, ताऊ ने भी नहीं मून कोई बेरो से शादी है ना बेरो? अच्छा। हाँ, चल शादी नहीं जानता ना, ब्याह तो जानता होगा। कौन है जानू? लव मैरिज ना, अरेंज मैरिज कौन है? कोर्ट मैरिज है? कुछ भी नहीं जानता है। कती ठुंड का ठुंडी है,
अच्छा चले एक बात बता, तेरे घर में कोई मेरी जैसी है? मेरे घर में तेरे जैसी? हाँ मेरी माँ है। मैं तेरी माँ की बात नहीं कर रही, और मेरे जैसी कोई जवान? अच्छा जवान? हाँ जवान तो कौन है? नहीं है ना, बात बढ़ेगी फिर तो। अरे के बनगी मुन्ना तो बता के राग है के कौन है? इसका मतलब तेरा ब्याह नहीं हुआ अब तक। तो मेरी बुआ मुन्नु तो बतागी कि ब्याह है कैसे। ब्याह नहीं जानता मैं, नहीं जानता। देख ब्याह वो होता है एक लड़का हाँ। एक लड़की अग्नि के सामने सात फेरे लेते हैं। अच्छा लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहनाता है, मांग भरता है। अच्छा बस इसको शादी कहते हैं। अच्छा वो रे बावली तन बताना नहीं, उसने शादी नहीं कहते। फिर उसने मारे जंगल में हम झिंगा लाला गया करे। झिंगा लाला? झिंगा लाला। अच्छा हाँ हाँ तो नहीं समझ ले, मैं तेरी गेल में झिंगा लाला करना चाहती हूँ। अच्छा मेरी गेल झिंगा लाला करेगी? हाँ मैं नहीं करना चाहता झिंगा लाला। क्यों नहीं करना चाहता? आपके लगते कपड़े वेशभूषा से ये पता चलता है कि तुम किसी शेठ साहूकार या कोई राजा की लड़की हो। अरे मैं राजा की लड़की हूँ हाँ। लेकिन कहते हैं दिल आ गया गद्दी पे तो परी क्या चीज है ना, मेरा तो दिल तीर पे आ गया, अब मुझे कोई राजा नहीं चाहिए। तुम गद्दी सो गए? अरे गद्दी नहीं हाँ। तू है गदा। गदा गणी मनाई तेरा, गदा ने भी गद्दी बिछाने। सुन मेरी बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक राजा की लड़की, तना अनेक को ठाट देखे होंगे, मैं एक निर्धन गरीब लकड़ारा, तेरा मेरा जोड़ा नहीं मिलता। नहीं जी मैं तो जोड़ा मिला के रहूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मर जा फिर, मेरी की बुआ की छोरी है तुम मर। अच्छा और नहीं जी मैं आपके साथ में जीना चाहती हूँ। मेरी गैल मत जी, वो तो पूटा गैल जी ले, तेरा रोग कट जाएगा। ना ना हाँ। सुन ले मेरी बात। मेरा गरीब आज भी कुर्ता पाट दिया प्यार प्यार में, नहीं देता प्यार जा। आज नहीं चाहिए तो और पाटूंगी। सुन मेरी बात, कर तो दियो तू काम नया कुर्ता ऊपर, कोई बात ना। पर यो से अब प्यार अब तुम मिला को ना माखी सोगल में याले। आज मैं सेम दूंगी इसने सुई धागे से। अब सुई धामा तो सीख देगी ना। सुन मेरी बात, से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से, से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। भाषा समझ में नहीं आई, तेना कान में कह कनु गई मेरे भतीजन जाबे दे कैडे फसास तू। अच्छा हां अजी ये नहीं कहेगी, मेरी बात सुन ले हां, मैं नहीं करूंगा ब्याह। नहीं करेगा? कह दे अपनी बात सुन ले। Hey!
गुजारा करने ने रोजगार चाहिए से, पेट गुजारा करने ने रोजगार चाहिए से। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू, बिल्कुल। पर अब तक ये भी नहीं पता कि तू है कहाँ का रहने वाला, तेरा के नाम है। मेरी बात सुन ले, बड़े बुजुर्ग ने कहा करे गाय न्याणा की बहु ठिकाना की। अच्छा, जानू तो मैं भी कौन है, तेरा के नाम है, पहले अपनी बता, मेरा सुन ले सारा नाम। अच्छा हाँ, तो सुन ले मेरी बात। हेलो, बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से। अच्छा, नहीं बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से। सावित्री। नाम राशि एक जोड़ी मिल गई। और नाम राशि तो कुछ नहीं होता, नाम राशि कंस की, कृष्ण की भी एक थी, राम की, रावण की भी एक थी। नाम राशियां का चक्कर नहीं, दिल मिलने चाहिए, दिल मिलने चाहिए। हाँ, पर नो बता तू शादी क्यों नहीं करना चाहता, कारण क्या है? बस नहीं करना चाहता, मेरी मर्जी। देख पागल, रंडे इंसान की कोई जिंदगी नहीं होती। सुन मेरी बात, मैं तो रूंगो रांडो। क्यों? अर्तन ने ब्याह करना हो, देख गणे जंगल तो बाहर निकलेगी, देख कितने नौजवान मिल जाएंगे, उन गैल ब्याह कर, मेरी गैल छोड़ तू। देख पागल, क्यों रांडा रहेगा, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम या देख रामदेव रांडो, ठीक है, और तो और मोदी भी रांडो, और वे राम रहीम ने सोची थी ब्याह करने की। अच्छा? राम रहीम ने सोची भी जेल में पड़े, मैं ब्याह नहीं कर सकता, ब्याह नहीं कर सकता, मैं तो नू ही ठीक हूँ। अच्छा हाँ, पर मैं तो करूंगी। तू करेगी? हाँ, तो कर ले मेरी, सुन ले मेरी बात, तो कह दे। हो पिनी शांति, हो पिनी शांति, हो बर्बादी ना उमरिए कटे, हो पिनी शांति, हो बर्बादी ना उमरिए कटे, घोड़ी करूं कमाई तेरा पूरा ना पटे। अच्छा, मैं घोड़ी करूं कमाई तेरा पूरा ना पटे, जीवन काटेगी सत्यवान न्यू नटे। अच्छा, तू दुख में जीवन काटेगी सत्यवान न्यू नटे, आयु पल पल में घटे, पल पल में घटे, नवार चाहिए से, घर बारी ने नारी ताबेदार चाहिए से। अच्छा, घर बारी ने नारी ताबेदार चाहिए से। इकलौती संतान में एक बेटा हूँ, घर में दो खाट हैं, एक पर मेरी माँ सो जाए, एक पर मेरा बाबू सो जाए, बीच में बिछा कर मैं सो जाऊं। अच्छा? मैं तेरे तब ब्याह तो कर लू, पर काल ने न्यू बता, मैं तेना ब्याह करके घर लेकर जाऊंगा, मेरी मौसी तू कड़े सोगी। अच्छा, मैं कड़े
ही सोंगी। हाँ। देखो एक आपके पापा जी हैं, हाँ। एक डैडी जी, वो दोनों अंधे हैं। एक पापा जी एक डैडी जी एक बात हो गई। एक पापा जी एक माता जी, हाँ। वो दोनों अंधे हैं। बिल्कुल। और घर में दो खाटे, एक में वो सो जाते हैं एक में वो सो जाते हैं। हाँ। तो बीच में आप सोते हो, बीच में मैं भी सो जाऊंगी। बीच में तो मैं सोते सोतूंगी, मेरे ऊपर सो आगी। अरे वो तो नहीं, साइड में कोने में सो जाऊंगी। अच्छा कोने में मेरे मम्मी पापा मेरे दोनों, सॉरी मन शर्म नहीं आओगी। अरे वो तो दोनों अंधे हैं। तो वे अंधे हैं, बहरे को ना महसूस कर लेंगे। और मेरी बात सुन के, मैं तेरे से ब्याह तो कर लूं, पर आप एक राजा की लड़की हो, तने बिना कितने अनेकों राज भोगे होंगे, अनेकों पकवान खाए होंगे। मैं एक निर्धन गरीब लकड़हारा, पूरे दिन लकड़ी काट के एक वक्त का खाना दो रोटी जुटा पाता हूँ। एक मेरी माँ खा ले, आधी मेरा बाबू खा ले, बेचारा बीमार सा रहेगी डाल, आधी मैं खा लूं, तू के खाओगी? मैं भी इतनी छोटी सी टूक खा लूंगी। इतनी छोटी सी तेरा पेट बताऊ, एक बिलांद लेगी तो पूरी। और मेरे बस की बात को ना, मैं एक गरीब हूँ, तेरा मेरा जोड़ा नहीं मिलेगा किसी राजा से विवाह। मैं भी आपके साथ में जंगल में चलूंगी आपके साथ में लकड़ियां काटने के लिए। एक छोटी सी कुल्हाड़ी मुझे भी दे देना। जब तू जंगल में चल लाएगी लकड़ी भी काटेगी तो छोटी सी कुल्हाड़ी को पूरा कुल्हाड़ो लिए फिर। अच्छा लेकिन सुनो जी, आपसे काम नहीं होगा, आप एक राजा की लड़की हो, मजाक की शोभा, किसी राजकुमार से विवाह करो। मुझे राजकुमार से शादी नहीं करनी है। नहीं करनी ना? तो दो चार बात मेरी और सुन ले, समझ में आओ। मेरी भी सुन ले। सावित्री मैं आपके साथ विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मैं अपने अंधे माँ बाप की सेवा करनिया, उनका इकलौता एक बेटा हूँ। लेकिन ऐसा ना हो, मैं लकड़ी काटने में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन घर पे मेरे माता पिता अंधे अकेले रहते हैं। कभी मैं विवाह कर लूँ, मेरे माँ बाप की सेवा करनी है, मेरा मन तेरे अंदर पड़ जाए, लेकिन मुझे इस बात का वचन देना होगा, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करूँ तो मुझे इस बात का वचन दो, कभी मुझसे पहले मेरे माँ बाप की सेवा आप करोगे। मैं आपको वचन देती हूँ, आपसे पहले मैं आपकी माँ बाप की सेवा करूँगी। पक्की बात है जी? फिर तो कर लूँ साहू, सुन फिर कर लेंगे। अच्छा जति मर्द ने बहु ताबेदार चाहिए से, जति मर्द ने बहु ताबेदार चाहिए से, तू जो मिला है तू जो मिला सारी दुनिया मिली, मिला तो मेरा ये सारी बगिया खिली, मिला तो मेरा दिल सारी बगिया खिली, मिला तो मेरा दिल सारी बगिया खिली, मिला तो मेरा दिल सारी बगिया खिली। सुनो सत्यवान को अपना मन में पति मान के सावित्री अपने पिता अश्वपति के पास वापस आ जाती है। अपने पिता से बताती है कि पिताजी मैंने जंगल में एक लड़का देखा, जात से छत्री है, गरीब निर्धन लकड़हारा है, और मुझे वो पसंद है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। पिताजी ने समझाया कि बेटी कोई राजकुमार से विवाह कर लेने को, नहीं मुझे तो वही पसंद आ गए, और मैंने मन में उनको अपना पति मान लिया, मैं शादी करूंगी। राजा अश्वपति ने हाँ भर दी, लेकिन इतनी देर में नारद मुनि आया, आगे बोला कि लाडो जिस नहीं डांस करवाओ दूंगा आपके बीच में, डांस देखना चाहते हो जी आप अभी? हाँ अभी राग नहीं बढ़िया चल रही, डांस अगर आप देखना चाहते हो तो बात और, बाकी पब्लिक का मूड नहीं अभी, वो किस्सा कंटिन्यू इस रागनी के बाद में मैं करवा दूंगा डांस, क्योंकि फिर मौसम बन रहा है, एक बार तो मौसम टूट गया, एक बार और टूट जाएगा फिर स्वाद नहीं आओगा। नारद मुनि आया, आके राजा अश्वपति से और सावित्री से कहता है कि लाडो जिस लड़के को तू अपना पति बना के आई है, पति मान के आई है, उस लड़के की उम्र केवल एक साल बकाया है, एक साल के बाद वो लड़का मर जाएगा, कोई और लड़का देख ले उससे ब्याह कर ले। लेकिन सजनो सावित्री कहते हैं कि नारद मुनि उस लड़के की चाहे उम्र एक साल क्यों एक दिन के बजाय एक घंटा हो, लेकिन मैं एक हिंदुवाणी नारी हूँ, मन मन में संकल्प करके अपना पति सत्यवान को मान लिया, मैं उसी से शादी करूंगी। काफी जिद करने के बाद सावित्री की शादी सत्यवान से होगी। बाकायदा सावित्री कुटिया में आके रहने लगी, क्योंकि सावित्री को ध्यान था
कि नारद मुनि की बात झूठ नहीं हो सकती। माता एकादशी के 11 माता के व्रत रखती है, एक एक दिन आंगलिया पर गिन गिन के काटे सावित्री ने, एक एक दिन व्रत करके परमात्मा की रोज पूजा करके इतना सद्धर्म सावित्री ने बना लिया। लेकिन आखिरकार चलते चलते वो मनुष्य काला दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री को रात को नींद नहीं आई, 4 बजे उठ के अपनी सासू सोब्या रानी के सत्यवान की जो माँ थी उसके पैर दबाने लगी। सासू खड़ी होकर बोली, बेटी अभी तो दिन भी नहीं निकला तू इतनी बखत उठ गई, के बात है? रो रो कनु कहने लगी कि सासू आज मैंने आपके घर में रहते रहते 1 साल बीत गया, लेकिन 1 साल बीत गया मैं कहीं भी घूमने नहीं गई। मेरा जी करे है कि भी मैं आज आपके बेटे सत्यवान के साथ लकड़ी काटने जंगल में जाऊं। सोब्या रानी ने हाँ भर दी को, बेटी कोई बात ना, सत्यवान तक कह दीनू बेटा आज बोड़ियान जंगल में घुमा के लिया। सावित्री को ध्यान था कि आज तेरा पति मरेगा, बड़ी चिंतित स्वभाव में साथ जाती है। सत्यवान ने पूछा कि सावित्री उदास क्यों? सच में बताई नहीं, डेट बंधाती अपने पति, कहने को स्वामी कोई बात नहीं आप लकड़ी काटो। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है, जैसे ही यमदूतों का फेरा होया सजनों सत्यवान को चक्कर छाने लग गया, जी में घबराहट माच गई। एक बात के द्वारा सत्यवान नु कहने लगा कि सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, अरे मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर सावे से, दुश्मन काल लहू दे का चाटन न हो रहा से, ले का कुलाड़ा आड़ मेरा कोई काटन न हो रहा से, अरे सत्यवान इस जिंदगानी नाटन न हो रहा से, मेरा जी लिकड़ा में मरिया पड़ा सिर पाटन न हो जा से, बैरी किसा दर्द जिगर ने चूंट चूंट खावे से, अरे मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर साव से। नो कहने लगी सावित्री के स्वामी कोई बात नहीं चक्कर आ रहा, आपने बहुत ज्यादा लकड़ी काट ली, नीचे आ जाओ। नो कहने लगा कि ना के कर्म कुलाड़ा गैर लोभ की लकड़ी त्याग चला मैं, ईश्वर में चितडाट बुझा आशा की आग चला रहे, अंधे मात पिता ने छोड़ कर मैं निर्भाग चला रहे, और सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चला रहे। बेसमझे बेपरख कहेंगे ये चंद्र के गावे से, मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर साव से। इतना कह के सत्यवान मूर्छित हो गया। यमराज आया, किस प्रकार से सत्यवान मूर्छित होया, यमराज के सावित्री के क्या सवाल जवाब होते हैं, ये रागनी आपके बीच में रखेंगे। बार जोरदार ताली बजा घोसला बढ़ा दो। आइए रागनी, चूंकि आज आदरणीय गुरुजी अमित जी चौधरी नहीं है तो यमराज तो बनूंगा मैं, और सत्यवान अभिषेक सेकंड खातर भाई साहिल आप बन जाओ, ठीक है? आइए सावित्री जी। कहिए पिया जी। मैं आज सुबह घर से आया तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब मुझे जोर से चक्कर आ रहे हैं और मेरा जी घबरा रहा है, मेरी मृत्यु मुझे अपने करीब लग रही है। आप ऐसी बातें की कर रहे हो, जब तक मैं आपके साथ में हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए। आपने लकड़ियां काट ली, आप थक गए हैं, एक काम करिए आप इधर आके बैठ जाइए, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मूर्छा खा के सत्यवान गिर जाता है। यमराज आया, लेकिन यमराज से पहले यमदूत आए। सावित्री ने अपने पति का सर अपने गोडों में रख लिया, नु कहने लगी कि देखती हूँ मेरे पति के प्राण आज कौन काटेगा। पहले तो यमदूत आए, सावित्री ने देख लिया कि यमदूत आ रहे हैं, यमदूतों की तरफ अपना मुंह खोला, सावित्री के मुंह से अग्नि जारी हो जाती है, यमदूत डर के भाग गए। फिर सजन यमराज आया, यमराज के और सावित्री के क्या सवाल जवाब होते हैं, आइए। मैं यमराज हूँ और ये लड़का मूर्छित पड़ा है, मुझे इसके प्राण निकालने हैं। आप रुकिए महाराज। अरे ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि जीते जी शरीर किसी आदमी ने या किसी लुगाई ने यमराज को देखा। बेटी आपने मुझे देख लिया? जी महाराज। चलो देख लिया, ये आपके सद्धर्म और आपने जो एकादशी माता के व्रत करे हैं उनका तेज है, लेकिन ये लड़का कौन है आपका? ये मेरे पति है महाराज। अच्छा ये पति है जी। तो बेटियों तो मर लिया। नहीं महाराज, नहीं ऐसा मत कहिए महाराज। इसका इतना अंजल पानी था कि खाली रह गया पंजरा, अंशा चला गया उड़ के, जाए पाछे फेर कोई आया नहीं मुड़ के, 5 तत्व जुड़ के काया का स्थूल है, सुनता ना कोई तेरा रोमना फिजूल है। एक काम कर बेटी, यो मर गया, अब तेरा कर्तव्य ये है, मेरा कर्तव्य, मैं यमराज हूँ, मेरा कर्तव्य ये है इसके प्राण निकाल के किसी अन्य शरीर में इसकी आत्मा को डालना, और आपका कर्तव्य ये है कि लकड़ी इकट्ठी करके इसकी चिता बनाओ और इसमें अग्नि प्रविष्ट करो और इसके माता पिता को संदेशा करो। महाराज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए।
ले बोलो छिवावली बात करा, हाथ जोड़े तो यमराज मानना तो कोई ना मरे। न्यू गो कोई मर्जिया बुढ़ा मर्जिया सब आदमी हाथ जोड़ा। न्यू गो भगवान इसमें प्राण डाल दे, छोरे का ब्याह देख कर मर जाएगा। यमराज किसी की नहीं सुनता, यमराज नहीं सुना करता, मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। आपने एकादशी माता के व्रत करे हैं, इसके सद्धर्म के कारण आपकी मैं कदर और इज्जत करता हूँ। मैं इसके प्राण नहीं निकाल रहा, क्योंकि अगर मैं आपके करीब आया तो मुझे भस्म होने का डर है, तो इसलिए दूर हट जाऊं। मैं इसके प्राण लेना चाहता हूं। महाराज थोड़ा सा ख्याल कीजिए महाराज, अभी तो हमारी शादी की पूरी एक वर्ष हुई है और अभी से आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं, ऐसा मत करिए महाराज। सावित्री एक साल तूने पति का सुख भोग लिया, दुनिया में ऐसी ऐसी औरत है जो एक दिन सुहागण अग दे लिद अभागण। एक दिन पति का सुख भोगते हैं, तने तो एक साल सुख भोग लिया, उल्टी हट जा। नहीं महाराज। सावित्री उल्टी हट जा, मेरी बात सुन ले। सावित्री उल्टी हट जा, यहाँ तक तेरा फर्ज था, उल्टी हट जा। नहीं महाराज। क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा रे, तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जितना तो ये पहचान गया हूँ कि अनु तो अटैक होने, कोई दिमाग कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी बेटी सावित्री। जी महाराज। एक काम कर, मैं तेरा पति जीवा दूंगा, इसमें प्राण भी दे दूंगा। तने सामने वो गुलाब का फूल दिख रहा है? हाँ। जब उसने खड़ी होकर तोड़ कर लिया, जब तक तू वापिस आओगी इतना मैं इसमें प्राण डाल दूंगा। नहीं महाराज। हाँ। आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं। कैसा छल? ताकि मैं वो गुलाब को फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। आहो, बड़ी चालू है तू तो। सुन मेरी बात, पति के प्राण तो मैं लेके जाऊंगा अगर तू इतनी बात जानगी। तेरा पति नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में तुझे और बहुत कुछ दे सकता हूँ मैं। मेरी बात सुन ले। ओए सत्यवान के सिवा मांग ले, सत्यवान के सिवा मांग ले, हर गिज को न्या टाल करो। देखी पहली वचनी भरो भगवन में, आगे फिर सवाल करो। पहले वचन भरो भगवन में, आगे फिर सवाल करो। वचन भरने पड़ेंगे? जी महाराज। बिना वचन ही दे दूंगा? नहीं महाराज। वचन भरूं तो ले, एक दो तीन। ठीक है महाराज। ओए सत्की सती सावित्री रे, सत्की सती सावित्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जवान वस्ता जति पति बिने मोक्ष माता के सुडाल करूं। जवान वस्ता जति सती बिने मोक्ष माता के सुडाल करूं। ओए भले बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा, ईश्वर के घर छट जा। हे झूठा मोह का जाली जगत में एक दिन पैर बट जा। झूठा मोह का जाल जगत में एक दिन पैर बट जा।
मैंने आपको तीन वचन दिए हैं और मैं आपकी भक्ति भाव और आपकी बातों से आपकी वाक्पटुता से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। मैंने ये जो तीन वरदान दिए जा तीन वचन जो दिए हैं तीन वरदान में तब्दील कर दिए, तीन वरदान बना दिए। इन तीन वरदान में अपने पति को छोड़कर दुनिया की कोई भी अमूल्य चीज कितनी भी दुर्लभ चीज तू मांगेगी ये यमराज तुझे दे देगा। महाराज मैं आपके सामने हाथ चीरती हूँ, हाँ छोड़ती हूँ महाराज, आप मेरे पति के प्राण दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरे की पति का तो रोड़ा है सारा, पति के प्राण कहाँ से दे दूँ। लेकिन सुन मेरी बात, ये तीन वरदान तो मैं तेरे को जब दूंगा, पहले तू मने एक वचन दे कि इन तीन वरदान में अपने पति के प्राण मांगना तो बहुत दूर की बात, तू इसका जिक्र भी नहीं करेगी। ये क्या कह रहे महाराज? बिल्कुल थोड़ा सा तो ख्याल कीजिए महाराज, इस दुनिया में कैसे रहूंगी मैं, किसके सहारे रहूंगी महाराज? इस दुनिया में किसी के भी मरने से किसी के भी जाने से दुनिया नहीं रुक क्या करती। तो आप मेरी भी प्राण निकाल लीजिए महाराज। नहीं मैं चाह के भी किसी के प्राण निकाल नहीं सकता, चाह के भी डाल नहीं सकता, मेरे तो भी ऊपर गणे बैठे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिलहाल आपका काम ये है मुझे एक वचन दो कि मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी, तो मैं तीन वरदान दुनिया की कोई भी चीज मांग ले वो तो नहीं दे दूंगा। तो ठीक है महाराज। हाँ अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगूं तो ठीक है महाराज, लीजिए वचन, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। बढ़ गया काम हो। वरदान सती ओए मांग लिए वरदान सती, अरे कर ले बेटी यकीन मेरा, तिखे राज मिले अरे राज मिले और नैन खोल दो वो ससुराल दरीन मेरा, राज मिले और नैन खोल दो ससुराल दरीन मेरा। पहले वरदान में आपको राज मिले और नैन खोल दो ससुरा नेत्रहीन मेरा, जी महाराज, मतलब जो चोड़ा राय मंत्री ने तुम्हारे ससुरे का राज छीन लिया था बलपूर्वक वो वापस दे दूं, हाँ। और तेरे सास ससुर दोनों अंधे हों उनकी आंख दे दूं, जी महाराज। तो बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। ओए ऐसा ही होगा पार्वती, ओए ऐसा ही होगा सावित्री, अरे देख लिए तू सीन मेरा, बिना पति के श्री मान मन होगा कति मलीन मेरा, बिना पति के श्री मान मन होगा कति मलीन मेरा। जीत उसी की होती है, जीत उसी की होती है जो सत के ऊपर डट जा, उस मानस का की कर ले जो सही बात ने नट जा, उस मानस का के कर ले जो सही बात ने नट जा। सावित्री एक वचन आपने मांग लिया कि राज मिले और नयन खोल दो ससुरा नेत्रहीन मेरा, मैंने वो वचन तेरे को दे दिया। इस वचन में मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने अपने पति के प्राण नहीं मांगे, मांगने भी नहीं क्योंकि तूने वचन दे रखा है। अगर अपना वचन तोड़ दिया तेरा सद्धर्म टूट जाएगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके प्राण आसानी से निकाल सकता हूँ। दो वचन और तेरे बकाया रह गए, इसने छोड़कर कोई चीज मांग ले बेटी पूरी कर दूंगा। तो सुनिए महाराज, सुन ले मेरी बात। छोड़ सती, छोड़ फिकर को, सोच फिकर को छोड़ सती, अरे सारी चिंता दूर करो। देखे दो पुत्र हूँ दो बेटे हूँ मेरे पिता के, ओ धर्मराज मन दो भाई हो जा, जी महाराज, दो नहीं बेटी सौ भाई तेरा हो जाएंगे, सौ भाई तेरा हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। देखे एक पुत्र हूँ एक बेटा हूँ मेरी कुकी से, तेजस्वी और शूर करो,
अपना पति नहीं मांगा, मेरा तो काम बन गया, लेकिन तेरे वचन दोबारा दोहरा दू गए मुराद चीटिंग कर गया। जी महाराज। पहले वरदान में तने मांगा अपने अंधे जो माँ बाप थे तेरे सास ससुरे उनकी आंख जी और राज जी। बेटी तथास्तु। दूसरे वरदान में तने मांगा कि तेरे बाप के 100 पुत्रिया ने तेरा 100 दो भाई हाँ मना 100 दे दिए बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। और तीसरा वरदान यो तेरे भी एक पुत्र बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। देता हूँ वरदान सती रे, देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज, जब वचन पूरे कर दिया अब क्यों रोका है? नहीं महाराज, लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। बात के पूरी ना हुई, देख तेरे सास ससुर की राज उनकी आंख तथास्तु जी, तेरा बाप का 100 पुत्र तथास्तु जी, तेरा भी एक पुत्र तथास्तु। देता हूँ वरदान सती, अरे काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज, देखे कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब पति अले दहटिया। कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति अले दहटिया। सावित्री जी, योग्य मांग लिया। क्या मांग लिया महाराज? मैंने पहले कहा था मैं इस पिता को नहीं दूंगा। पिता के है ओ? पति। हाँ पति, तेरे देश में गर्मी बहुत है, मैं पसीना बना लिया, दिमाग भंगड़ हो गया, मैं नहीं दे सकता महाराज। मैंने पहले कही थी शानी ना बने, मैंने पहले नू कही थी तेरा पति को नहीं दूं मैं। तो पति कहाँ मांगा है महाराज? मैंने तो पुत्र मांगा है। तो पुत्र दे तो दिया, तेरा भी तेरे बाप के भी। अच्छा और क्या चाहिए? पर एक बात बताइए महाराज। हाँ। जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। बेटी हो तो मैंने सोचा गोला। अच्छा। हाँ। नहीं महाराज, यो तो गलत काम हो गया। सुन मेरी बात। क्या? तू तने तीन वरदान लिया, तीन वरदान के बजाय 300 वरदान और ले ले, पर बेटी यो नाश ना करवाओ, मैं नहीं कर सकता। नहीं महाराज, आपने मुझे 3 वरदान दिए हैं और जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए, और अगर पूरी नहीं कर सकते तो जहाँ से आए आप वही वापस चले जाइए। तेरी बाण गई यमराज की बेइज्जती, मरे तू भी फिर बताऊंगा तने कितनी राजी होगा बोल रही है तू। अच्छा। हाँ। पहले आप अपने 3 वरदान पूरे कीजिए। जब तेरे तो मन न्यू कह दियो काम मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मेरे आत्मा को ना, मेरे तो भी बड़े बड़े बैठे हैं भगवान ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश, जवाब देना पड़े सारा। अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत कह रहे थे तथास्तु तथास्तु तथास्तु, अब कीजिए तथास्तु। इसी तिशी होगी तथास्तु की। तो आप अपने वरदान पूरे नहीं करेंगे? बेटी वरदान मैं पूरे कर दूं, पर यो काम ना हो। अरे महाराज, आपका नाम तो यमराज है, यमराज। तने तो मूसा बना दिया। अरे आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते? यो काम नहीं कर सकता। अरे सब कुछ आपके ही तो हाथ में है। अरे मेरा हाथ में बैंगन भी बोला कहते तो कर देता हूँ मैं। महाराज मेरी बात सुन ले। कहिए। सावत्री, ओए सावत्री, सावत्री तन वचन भरा के, सावत्री तन वचन भरा के, चक्कर बीच फसाया। एक नो निधि, अरे नो निधि, और बारा सिद्धि, जीवित कर दूंगा मैं, क्यों कर जीवित कर दूंगा मैं तेरे पति की काया। सब कुछ दिख, सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया। सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में आदरणीय गुरुजी अनिल जी पुरोहित जी, मांडन सिद्ध सेवा धाम से बड़े ही सिद्ध योगी पुरुष हैं, एक बार आदरणीय गुरुजी के लिए एक बार जोर हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन गुरुजी अभी मंच पे आ रहे हैं, आप रागनी पे फोकस रखो, बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है, सभी इधर देखो, रागनी पे फोकस रखो, क्योंकि अंतिम चरण में 2 लाइन और रहेगी। रागनी की बेटी सावित्री, मैं वो काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते महाराज? मेरे हाथ में कोना है, मैंने जवाब देना पड़े ऊपर ब्रह्मा। तो वचन हार हो जाइए, वचन तोड़ दीजिए अपने। मान जा मेरी बात, हाथ जुड़वा ले। नहीं मानूंगी महाराज। कि तब पीछे से जाकर पैर पकड़वा ले ना।
पति के प्राण मांगेगी? पति के प्राण चाहिए मुझे। तो एक परीक्षा देनी होगी आपको। कैसी परीक्षा महाराज? मैंने अपनी योग माया से, अपनी दिव्य दृष्टि से ये देखा है कि बेटी सावित्री तेरी अभी जिंदगी जो उम्र है तेरी 100 साल बकाया है। अच्छा, 100 साल तेरी उम्र बकाया है। मैं अपने पास से तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन तू अगर संकल्प कर अपनी आधी जिंदगी यानी 50 साल मुझे दान करे तो 50 साल मैं तेरे पति को दे दूंगा। आधी जिंदगी हो 50 साल जीवेगा, 50 साल तू जीवेगी, लेकिन सोच ले बहुत गणा हुआ है, 50 साल मौज मारेगी है, बरगा बिना कितना मिलेगा सोच ले। क्या काट है इसमें कोई और मांग सिस्टम? यो तो देख लिया और देखिए कोई रल दू बड़ दू इसने छोड़ महाराज। हाँ, आप मेरी आधी जिंदगी क्या, अगर हम मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी महाराज। भाई भाई पर जोरदार ताली बजानी पड़ेगी। तो ला 50 साल मने दे। लीजिए महाराज ये 50 साल। अरे ये तेरे डाल दिया, खड़ा हो जा सतवान, बहुत अच्छे। ओए मान सिंह ने, चला जा बैठ जा पुत्री करके जागा। ओए मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया, ध्यान हरि हर कारट जा, हर कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे तार खटका मिट जा, क्योंकि गुरुजी ने, अमित चौधरी जी ने ये वीडियो बना रहा, भाई सन्नी चौहान ये वीडियो बना कर गुरुजी ने शिकायत करेगा बिना किसा प्रोग्राम करा। अगर आपने ठीक लागी हो तो मेरा कुलमुड़ी माच रही है, गुरु जी राजी हो जाएंगे, मगर हाथ उठा कर ताली बजा के बता जो राग नहीं ठीक लागी हो आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने भैरोड़ की माटी का परचम पूरे हिंदुस्तान में फहराया है। ऐसा बच्चा हमारे बीच से जब निकल के जाता है तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारे बीच का बच्चा पूरे हिंदुस्तान में हमारे राठ क्षेत्र का नाम कर रहा है, अलवर जिले का नाम कर रहा है, हमारे इलाके का नाम कर रहा है। वास्तव में खुशी होती है जब ऐसे मौके पर अपने क्षेत्र के युवा के बारे में, अपने क्षेत्र के बच्चे के बारे में ऐसा सुनने को मिलता है कि उसने उन ऊंचाइयों को छुआ है जिसके हम केवल सपने देखा करते थे। ऐसी ऊंचाई पर आप पहुंचे हैं तो ये आपके गुरु के आशीर्वाद से, और मैं ये आपकी भावनाएं भी देख रहा हूँ